आतारगु ब्रिज क्रॉस करने के बाद ही रास्ता एकदम कच्चा बन जाता है, यह आपको बहुत स्पष्ट दिखेगा। पर रास्ता जो भी है, जिस तरह से है और ड्राइवेबल कंडीशन में जितना रखा गया है, उसके लिए आपको तहे दिल से आभार होना पड़ेगा अपने दोस्त बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के सारे लोग जो वहाँ पे काम करते हैं दिन रात उनके ऊपर। और कुछ ही देर में आपको पिन वैली नेशनल पार्क का एंट्री गेट मिल जाता है। यहाँ पे कभी कभी रास्ता नाले की वजह से बहुत ख़राब हो जाता है, कंकड़ के लिए रास्ते में गाड़ी चलाना दिक्कत होता है, जैसे अभी आप देख लीजिए प्रैक्टिकली कैसा हो सकता है। भैया आगे भी ऐसा है, आगे भी ऐसा है, आगे ठीक है। ओके तो मेरे पीछे अगर आप देखोगे ऊपर मॉनेस्ट्री है, हम शायद वापस आने के टाइम पे मॉनेस्ट्री विजिट करेंगे। अभी हम तो डायरेक्ट पिन वैली मुड विलेज जा रहे हैं। तो दिस होल एरिया इज अंडर पिन वैली नेशनल पार्क, जो गेट हम क्रॉस करके आए। उसके बाद आने के वक्त थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग था, ज़्यादा नहीं। वैसे रास्ता मैक्सिमम ही कच्चा है, उसमें थोड़ा बहुत जैसे आप देख रहे हो पीच वाला रास्ता है, अदरवाइज इट्स मोस्टली कच्चा रास्ता। वैसे दिक्कत तो होगा नहीं आपको जाने में। सामने रास्ता ऊपर मॉनेस्ट्री जाती है हमें दिख रहा है, और हम नीचे से जाएंगे, अभी वापस आते टाइम मॉनेस्ट्री जाएंगे। एक जगह पे एक नाला आता है यहाँ आने से पहले, वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है अगर पानी का फ्लो ज़्यादा है। उतना ज़्यादा नहीं था, पर फिर भी डिपेंड करता है, मतलब अगर रुक जाते हो वहाँ पे शायद गाड़ी रुक जाए, तो हमारे लिए ऐसा हुआ नहीं, लकीली हम क्रॉस कर गए। तो इस साइड में जैसे बहुत सुंदर है, मतलब कल हम कॉमिक गए थे। कॉमिक दुनिया का सबसे ऊंचा गांव है, जो है मोटरेबली कनेक्टेड, और उसमें 114 बस उसका आबादी है। इसके बारे में हम वीडियो बनाएंगे, अभी नहीं कुछ दिन बाद बनाएंगे, तो अगर आप हमारे चैनल पर रेगुलर हैं आपको ज़रूर दिख जाएगा। कॉमिक का लैंडस्केप जैसा है ना, थोड़ा ऊंचा है, यहाँ पे ऊंचा नहीं है, पूरा वैली है चारों तरफ, और स्नो कैप माउंटेन्स दिखेंगे आपको, कितने सारे टाइप ऑफ फ्लावर्स दिख सकते हैं आपको, मैं आई कांट एक्सप्लेन। सो इट्स ए डिफरेंट टाइप ऑफ ब्यूटी एंड इट्स एब्सोल्युटली स्टनिंग। अगेन उतना ज़्यादा गाड़ी नहीं है, तो दैट मीन्स यहाँ पे ट्रैफिक इतना कम है और टूरिस्ट व्हीकल इतना कम है, मैं इतना कह सकता हूँ कि ज़्यादा लोग मुड विलेज या पिन वैली जाते नहीं है। तो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग गुड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ पीसफुल और थोड़ा सा एम्प्टी टाइप ऑफ एरिया। बहुत ही खाली खाली है अभी तक, तो एटलीस्ट वैसा ही है। तो अभी हमें और भी 50 मिनट्स जाना है, 19 किलोमीटर, मतलब अच्छा खासा ऑफ रोडिंग ही होगा। उसके बाद हम पिन वैली चले जाएंगे मुड विलेज, वहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करेंगे, वापस आ जाएंगे फिर मॉनेस्ट्री देख के गाजा। तो चलिए हम आपको आगे बताते हैं कैसे हम चलते हैं। रास्ते में आपको बहुत सारे बाइकर्स मिलेंगे जो मुड विलेज जा रहे होंगे, और दो या तीन ब्रिज मिलेगा जो रिवर क्रॉस करेगा। जब तक हम मुड विलेज पहुंचते हैं, मैं आपको वहां जाने का दो डिफरेंट राउट बताता हूं डिपेंडिंग ऑन सीजन। अगर आप समर में आते हो तो मनाली से कुंजुम पास, रोहतांग पास होके जो रास्ता आता है, वो रास्ता समर में खुला रहता है ओनली जुलाई टू अक्टूबर, और आप उस रास्ते से आते हो। अगर आप विंटर में आना चाहते हो तो ये रास्ता बंद हो जाता है, तब आपको रेकांगपियो साइड से ताबो होके आना पड़ेगा। एक बात याद रखिएगा, ये दूसरा जो रूट है ये सारा साल खुला रहता है, बस विंटर में ही नहीं। का 2 घंटा ट्रैवल करने के बाद हम पहुंच गए मुड विलेज, जो कि 12,000 फीट ऊपर सी लेवल से है, तो थोड़ा सा आपको हैरानी हो सकती है अगर सांस लेने में दिक्कत हो तो। यहाँ पे पॉपुलेशन है 200 से थोड़ा सा ज़्यादा, और अगर आप पिन वैली का बात करते हो तो 1600 के थोड़ा सा ऊपर ही है पॉपुलेशन। रहने के लिए कुछ ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएंगे, पर हम मोस्ट पॉपुलर 3 जो होमस्टे यहाँ पे है उसका पिक्चर ऊपर में आपको दे रहे हैं। इसमें से तारा होमस्टे के रूफ टॉप में से व्यू बहुत बढ़िया आता है, वहीं पे चाय के लिए हम रुके थे। इसका नाम है पार्वती होटल, और हम लोग
यहाँ गाड़ी खड़ा करवा के यहाँ पे चाय ले रहे हैं। हमने थोड़ा पता किया यहाँ पे आपको ना 3000 में, ये जो होम स्टे है नमखा, यहाँ पे 3000 रुपीस में MAP प्लान मिल जाएगा, जहाँ पे ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूडेड होता है दो लोगों के, 2 people। तो अगर आप पर यहाँ पे डिफरेंट और भी है, जैसे सामने दिख रहा है मुझे गातुक होम स्टे, और फिर इबेक्स है वहाँ पे, और ये से पीछे ये सबसे बड़ा है आपका पिन पार्वती होटल। तो हर एक का अलग अलग रेट होगा, पर हम यहाँ पे चाय पी रहे हैं, हम सोचे वहाँ का पूछ लेते हैं, आसपास ही होगा बाकी का जितना होना है, जैसे 4 हो सकता है, किसी का 6 हो सकता है, इट डिपेंड्स किसके पास क्या फैसिलिटीज़ है। पर यहाँ पे लाइट वगैरह नहीं होगी, थोड़ा बहुत सोलर से लाइट आ जाता है, गर्म पानी भी आ जाता है, इंटरनेट फ़ोन नेटवर्क ये सब भूल जाओ आप, क्योंकि यहाँ पे आके अगर रहने वाले हो तो आपका गोल एक ही होगा, एंड वो है ये देखो व्यू मेरे पीछे, ये नामखा के, यहाँ से मैं दिखाता हूँ आपको, लुक एट दिस, मैं वहाँ जाके भी दिखाऊंगा आपको, व्यू इज अस्टाउंडिंगली गुड, लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ वैली एंड माउंटेंस एंड देन सम स्नो कैप माउंटेंस, जो आपके सोल को इतना प्योर बना देगा कि आई कैन नॉट एक्सप्रेस। अभी हम यहाँ पे चाय पियेंगे, थोड़ा बहुत इधर उधर पिक्चर लेंगे, और फिर वापस जाएंगे काजा के साइड में, क्योंकि हम ऐसे ऑलरेडी आपको बताया है हम काजा में रह रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए अभी हम जैसे इतना लंबा सफ़र कर रहे हैं तो हमारे लिए पूरा का पूरा ऑफ लेना इज़ नॉट पॉसिबल। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग वर्क फ्रॉम होम कभी कभी ऑफ ऐसा कर रहे हैं, तो उस हिसाब से काजा में रहने से हमें नेटवर्क मिल जाता है और बच्चे हमारे साथ हैं, तो रात में पावर रहना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। That's why we are not staying here. Otherwise, this is nice place to, you know, chill out and find peace. I would say, बहुत सुंदर सा जगह है। चलिए तो हम थोड़ा चाय पी लेते हैं और आपको अच्छा खासा मुड विलेज का बीरोल दिखाते हैं। दोस्तों अभी मॉनेस्ट्री देखना बाकी है, पर पिन वैली के बारे में कुछ चीज़ें हम बता देते हैं इस वक्त। पिन वैली का नाम पिन है, पिन पार्वती रिवर जो इसके बाजू से गुजरता है उसके ऊपर बेस करके, और मुड विलेज का नाम आता है मुध या मुथ से, मतलब मुथ फॉर्मेशन, जो कि जियोलॉजिकली नॉन डिवोनियन एज का एक रॉक फॉर्मेशन है जो 1800 साल के किसी टाइम पे देखा गया था इस जगह पे, तब से इसका नाम मुड विलेज रखा गया। ये बहुत सा सेल्फ सस्टेनिंग जैसा जगह है, यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया कि लोग अपना ब्रिक्स जो है घर बनाने का खुद ही बना रहे हैं। मुड विलेज में 1.5 घंटा स्पेंड करने के बाद हम वापस आने लगे, यहाँ से आगे नहीं जा सकते आप, आपको ट्रैक करना पड़ेगा। वापस आने के वक्त हमें देखना था जो मॉनेस्ट्री रास्ते पे आता है उस मॉनेस्ट्री को। ये है कोंगरी मॉनेस्ट्री। ये आने के लिए आपको या तो मुड विलेज जाने के टाइम पे, मतलब काजा से मुड विलेज जाने के टाइम पे डिटोर ले लीजिए, या फिर हम जैसे कर रहे हैं मुड विलेज से वापस आने के टाइम पे डिटोर लीजिए। डिटोर होगा आपका अराउंड 2 किलोमीटर्स, क्योंकि ऐसा दूर नहीं, 2 किलोमीटर्स के ऊपर चढ़ना पड़ता है, तो वो हो जाने के बाद मतलब 6-12-15 मिनट का डिटोर जाने आने का, और फिर आप देखिएगा जिसे देख रहे हो बहुत ही बड़ा मॉनेस्ट्री है। इंटरेस्टिंग थिंग, यहाँ पे इतने सारे गाड़ी देख रहे हो आप, ये कोई भी टूरिस्ट व्हीकल नहीं है, ये सब यहाँ के लोकल गाड़ी है, एक भी टूरिस्ट नहीं है यहाँ पे, जस्ट मुड विलेज में जैसे बहुत कम टूरिस्ट है। ये मॉनेस्ट्री में भी मेरे ख्याल से लोग कम आते हैं, नॉर्मल डिवोटीज तो आते होंगे, या फिर मॉनेस्ट्री में जो डिवोशनल चीज़ें होते हैं वो अलग है, पर जो टूरिस्ट आते हैं मॉनेस्ट्री देखने के लिए वो टूरिस्ट हमें तो दिख नहीं रहा है। ये टाइम जब भी आप 4 बजे हैं यहाँ पे, इस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा भीड़ होता है जनरली, तो वो नहीं है।
अदरवाइज इट्स अ वेरी पीसफुल प्लेस। मॉनेस्ट्री भी बहुत ही बड़ा है आप देखो, और इसके लुक एंड फील से लग रहा है अंदर रहने का और पढ़ने का फैसिलिटी बहुत अच्छा खासा होगा। मॉनेस्ट्री देखने के बाद काजा वापस आने में हमें थोड़ा टाइम लग गया और शाम हो गया था, क्योंकि नाला जो जाने के वक्त कम पानी वाला था वापस आने के टाइम ज़्यादा पानी हो गया था और हम थोड़ा फंस गए थे, पर बीआरओ के लोग हमें हेल्प किए और वहाँ से निकलने में सहायता किए। इसके बाद हम शाम तक काजा आ गए और अपने होटल में वापस चेक इन कर लिए। एक चीज़ जो हम नहीं दिखे और देखना बहुत टफ भी है वो है स्नो लेपर्ड। पिन वैली या मुद विलेज फेमस है स्नो लेपर्ड देखने के लिए और इसके लिए स्पेसिफिक ट्रैक भी होता है। दिनों में हम वीडियो बनाएंगे काजा, स्पीति, ताबो, नाको, ये सब जगह को लेके। तो अगर आप हमारे चैनल में सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हम रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलता जाएगा नया वीडियो का। ये आप जो मेरे पीछे देख रहे हो ये है हिकिम का पोस्ट ऑफिस, जो है द हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस इन द वर्ल्ड। और अभी तो यहाँ पे लोग इतने हैं जो तो ऐसे लग रहा है कि लिफाफा से भी ज़्यादा लोग है यहाँ पे।